Hey, what's up guys? बहुत दिनों बाद माफी चाहता हूँ वीडियो लेट आ रही है, पर आज की शुरू में मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ Samsung Galaxy S21 Ultra, वो भी कार्डबोर्ड से। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आने वाली, तो वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फोन की बॉडी बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है, जिसकी साइड में दी गई है। ये कार्डबोर्ड थोड़ा ज़्यादा थिकनेस वाला है। वैसे फ़ोन की थिकनेस और बढ़ाने के लिए मैं और एक पतले कार्डबोर्ड की लेयर का यूज़ कर रहा हूँ। दोनों कार्डबोर्ड को मैं एक साथ चिपका दूंगा। इस तरह मैंने दोनों कार्डबोर्ड की लेयर को एक साथ चिपका दिया है। फ़ोन की साइड में राउंड शेप बनाने के लिए मैं पॉलिश पेपर से चारों साइड में रब करूँगा। वैसे फ़ोन की चारों साइड में मैंने राउंड शेप बना दिया है। फ़ोन की साइड बनाने के लिए मैं ब्लैक टेप का यूज़ कर रहा हूँ। फ़ोन की चारों साइड में मैं ब्लैक टेप चिपका दूंगा, क्योंकि ब्लैक टेप का यूज़ करने के बाद आपकी फ़ोन की फ्रेम कुछ ओरिजिनल टाइप जैसी दिखाई देगी। ब्लैक टेप का यूज़ करने के बाद आपकी फ़ोन की फ्रेम शाइनी लुक देगी। इस तरह आपको फ़ोन की चारों साइड में ब्लैक टेप चिपका देनी है। चारों साइड में टेप चिपकाने के बाद हमारी फ़ोन की फ्रेम तैयार है। अब बनाएंगे बैक साइड। बैक साइड बनाने के लिए मैंने ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। ब्लैक पेपर को मैंने हार्ड पेपर पे चिपका दिया है। बैक साइड में करो शेप बनाने के लिए मैं हाथों से बेंड करूंगा। वैसे मैंने बैक में चारों साइड में करो शेप बना दिया है। बैक साइड को मैं कार्डबोर्ड पे चिपका दूंगा। इस तरह मैंने कार्डबोर्ड पे बैक साइड चिपका दिया है। अब बनाएंगे कैमरा पोर्शन। कैमरा पोर्शन बनाने के लिए मैंने ब्लैक पेपर का एक टुकड़ा लिया है, जिस पे मैं ब्लैक पेन से कैमरे की एक शेप बनाऊंगा। इस तरह मैंने S20 Ultra की कैमरा की शेप बनाई है। शेप की थिकनेस बढ़ाने के लिए मैं सेम साइज के 4-5 पेपर को एक साथ चिपका दूंगा। चार पांच पेपर की लेयर एक साथ जोड़ने के बाद कुछ इस तरह मैंने कैमरा की शेप की एक थिकनेस बनाई है। अब बनाएंगे कैमरा। कैमरा बनाने के लिए मैंने ब्लैक पेपर पे ब्लैक टेप चिपका दिया है, इस पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल को मैंने काट लिया है। सर्कल के नीचे बॉर्डर बनाने के लिए मैं ब्लैक पेपर का एक टुकड़ा नीचे के साइड चिपका रहा हूँ। इस तरह साइड में एक्स्ट्रा वाला पोर्शन को मैं काट लूंगा। काटने के बाद कैमरे के नीचे ब्लैक पेपर की एक बॉर्डर बन जाएगी। वैसे मैंने चारों कैमरास के नीचे बॉर्डर बना दी है। वैसे पांचवा सर्कल हमारा लेज़र ऑटो फोकस है। सभी कैमरास को मैं कैमरा पोर्शन पे चिपका दूंगा। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। सभी कैमरास को मैंने कैमरा पोर्शन पे चिपका दिया है। कैमरे के अंदर की साइड कैमरा लेंस बनाने के लिए मैंने ब्लू पेपर से छोटे छोटे 3 सर्कल काटे हैं। सभी कैमरास पे मैंने कैमरा लेंस चिपका दिया है। लेज़र ऑटो फोकस पे मैंने वाइट पेपर का एक सर्कल चिपकाया है। सभी लेंस को डार्क ब्लू बनाने के लिए मैं ब्लू कैच पेन का यूज़ कर रहा हूँ, और लेज़र ऑटो फोकस के लिए मैं रेड कैच पेन का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मैंने सभी लेंस को डार्क ब्लू बना दिया है। वैसे ही गोल्डन सर्कल से मैंने फ्लैश लाइट बनाया है, उसे भी मैं कैमरा पोर्शन पे चिपका दूंगा। सभी चीज़ें चिपकाने के बाद
कैमरा तैयार है। कैमरा को मैं फ़ोन की बैक साइड में ग्लू से चिपका दूंगा। कैमरा चिपकाने के बाद कैमरा को फ़ोन की फ्रेम के साथ जोड़ने के लिए मैंने ब्लैक पेपर से एक पट्टी बनाई है। पट्टी पे मैंने ब्लैक टेप चिपका दी है। पट्टी को मैं कैमरे के साइड में कुछ इस तरह चिपका दूंगा। पट्टी चिपकाने के बाद कैमरा हमारा फ़ोन की फ्रेम के साथ चिपका हुआ है, इस तरह दिखाई देगा। अब बनाएंगे लोगो। लोगो बनाने के लिए मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। पेंसिल से मैं पहले लोगो ड्रॉ करूँगा। लोगो आप देख के भी ड्रॉ कर सकते हो। पेंसिल से लोगो ड्रॉ करने के बाद लोगो को मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ करूँगा, जिससे हमारा लोगो शाइनी लुक देगा। अब बनाएंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले बनाने के लिए मैंने वाइट पेपर लिया है। वाइट पेपर पे मैंने फ़ोन का एक शेप बनाया है, जिसमें मैंने एक वॉलपेपर ड्रॉ किया है सिंपल सा। इसको मैंने पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद वॉलपेपर को मैं वैसे एक ब्लैक पेपर पे चिपका दूंगा। वॉलपेपर को ब्लैक पेपर पे चिपकाने के बाद फ़ोन की फ्रंट साइड तैयार है, जिसे भी साइड में करो शेप देने के लिए मैं हाथ से बेंड करूंगा। फ़ोन की फ्रंट में चारों साइड में मैंने करो शेप बना दिया है। फ्रंट साइड को मैं कार्डबोर्ड पे चिपका दूंगा। कार्डबोर्ड पे फ्रंट साइड मैंने चिपका दिया है। वैसे ब्लू पेपर के सर्कल से मैंने फ्रंट कैमरा भी बनाया है। कैमरे को भी मैं फ्रंट साइड में चिपका दूंगा। कैमरा चिपकाने के बाद ब्लू केच पेन से मैंने उसे डार्क ब्लू बना दिया है। वैसे ब्लैक पेपर से मैंने फ़ोन की चारों साइड में एंटीना बैंड्स बनाया है। ब्लैक पेपर से मैंने पावर बटन, वॉल्यूम बटन और चार्जिंग पोर्ट बनाया है, उसे भी मैं फ़ोन की साइड में चिपका दूंगा। सभी पार्ट जोड़ने के बाद फाइनली